ये सोच कर रहे हैं परमेश्वर तेरा वचन को सुनना है आज, तेरे वचन को सुनना है जो तू अपने दास को भर के भेजता है। वो वचन जो परमेश्वर तूने अपने दास को दिया है आज मेरे लिए है, वो वचन है। कितने जन ये अंगीकार करके यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने दासों को, अपने दास को वचन भेज कर लोगों को आजाद करता, आपको आजाद करता। हमने कितनी गवाहियों को सुना है, हालेलुया। परमेश्वर रेडी है आपको आजाद करने के लिए, आपको छूने के लिए, लेकिन क्या आप रेडी करके बैठे हैं आज अपने आप को? हालेलुया। आज लोग कहते हैं कि आज का वचन, आप भी कहते होंगे कि आज का वचन परमेश्वर मेरे लिए था। जब वचन हो जाएगा ना, तो किसी को वो लगेगा, किसी को कोई वर्ड परमेश्वर बात करता है आपसे, एक एक जन से बात करता है, चाहे जितने मर्जी पर्सन, थाउजेंड्स के हिसाब से पर्सन बैठे हैं, चाहे यहाँ पे हंड्रेड्स के हिसाब से बैठे हो, चाहे लाखों के हिसाब से, लेकिन परमेश्वर एक एक जन से बात करता है, पर्सनली आपसे बात करता है वचन के द्वारा। मानते हो इस बात को? जब वचन होता है तो उस वचन के दौरान आपको लगता है परमेश्वर ये वचन मेरे लिए है। आप ये जाते हुए घर में बोलते हो परमेश्वर आज का वचन मेरे लिए है, मैं समझता हूं परमेश्वर कि ये वचन मेरे लिए है। पर जब वो वचन आपके लिए है, आपसे बात करता है वो वचन, तो क्या आप फॉलो करते हो अपनी लाइफ में? क्या आप उस वचन को अमल में लाते हो अपनी लाइफ में? आप खुद सोच के देखो, क्या आप अमल में लाते हो? अगर आपको पूरे वचन में से एक वर्ड भी आपके दिल में उतर गया और आपने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में उसको फॉलो करना स्टार्ट किया, तो क्या आप ब्लेस नहीं होंगे? डेफिनेटली ब्लेस होंगे, कोई शक नहीं होगा इस बात में। आप बोलते हो परमेश्वर मेरे लिए आज वचन था, आप एक दूसरे से बात करते हो, घर में जाके बात करते हो कि आज का वचन बहुत अच्छा था, आज के वचन के द्वारा मेरे से बात की परमेश्वर ने। लेकिन आप खुद सोच के देखो, जो पिछले हफ्ते वचन हुआ, क्या आपको याद है वो वचन? पिछले दो हफ्ते पहले, तीन हफ्ते पहले जो वचन हुआ चर्च में, क्या आपको याद है वो वचन? उस दिन भी आपने ये बोला था कि परमेश्वर आज का वचन मेरे लिए है, परमेश्वर आज के वचन के द्वारा, परमेश्वर अपने दास के द्वारा आज आपने मुझसे बात किया, क्या आपको याद है वो वचन? कहां जा रहे हैं वो वचन? हालेलुया। आज क्रिश्चियंस लोग, मसीही लोग ये सोचते हैं कि मैंने प्रभु को ग्रहण कर लिया, बैप्टिज्म ले लिया, मैं आजाद हूं, स्वर्ग का, मैंने स्वर्ग जाना सीधे। सब लोग ये सोचते हैं, लेकिन जब तक आपने वचन को सुन के उस पे अमल नहीं किया, प्रैक्टिकली फॉलो नहीं किया, पाप को पकड़ के रखा आपने, आप भूल जाओ कि आप स्वर्ग में जाएंगे। ये वचन कहता है कि जब न्याय का दिन आएगा तो परमेश्वर उस टाइम बोलेगा आपसे, एक एक बात का न्याय लेगा कि मेरे दास के द्वारा मैंने तुझसे बात की, लेकिन फिर भी तूने अपने गुनाह को नहीं छोड़ा। और उस टाइम बोलेगा प्रभु कि मैं इनको नहीं जानता, और अफसोस उन लोगों के ऊपर जब प्रभु उनको बोलेगा कि इनको ले जाओ नरक कुंड में, जहां पे अग्नि बरसती है, अग्नि के अंगारे बरसते हैं, वहां पे अनंत काल की मौत है। अफसोस उन पर्सन्स के ऊपर जो वचन को सुनते हैं, फॉलो नहीं करते, जिनको पता भी है ये वचन मेरे लिए है। वचन कहता है कि, प्रभु कहता है कि जैसे मैं पवित्र हूं, मैं चाहता हूं तुम पवित्र बनो। क्या आपने इस वचन को फॉलो किया? जब वचन सुनाया जा रहा था चर्च में, क्या आपने फॉलो किया? क्या आपने व्यभिचार को छोड़ा? जब परमेश्वर कहता था, जब वचन कहता है, परमेश्वर कहता है, क्या कहता है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। क्या आप प्रार्थना कर रहे हैं? प्रभु कहता है कि अपने दान दशमांशों को भवन में बो, मैं तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं, ऐसा परख के मुझे देख। क्या आपने वचन को सुनकर उस पे अमल किया, उसको फॉलो किया? प्रभु कहते जा सुसमाचार सुना। क्या आप
ने बोझ लिया, रूहों को बचाने का बोझ लिया, इसका मतलब क्या है? आज आप चर्च में आए हैं, प्रभु की हजूरी में आए हैं, आप ये मत इसको लाइट मत लो कि हम प्रभु के राज्य में जाएंगे। जो पाप कर रहा है वो प्रभु के स्वर्ग में जाएंगे, हम प्रभु के राज्य में एंटर करेंगे। सबसे ज्यादा डेंजर जोन में है आप लोग जो चर्च में आकर वचनों को सुनकर और पता भी है वचन में मुझसे बात कर रहा है, फॉलो नहीं करते, आप खतरे में हैं। आपसे पर्सनली मैं बात कर रही हूं, आप खतरे में हैं, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं, मैं ही क्यों ना हूं, चाहे अगर मैं फॉलो नहीं कर रही हूं वचन को तो मैं भी खतरे में हूं। प्रभु सबको एक निगाह से देखता है, प्रभु किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, वो अपने वचन का पक्का है। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन को हम खोलेंगे, मत्ती की पुस्तक, जोर से हालेलुया बोलो एक बार, जोर से। उसका जब मत्ती की पुस्तक हम पढ़ते हैं, उसकी 13 और उसकी 18, 13 अध्याय 18वां वचन, बीज बोने वाले के दृष्टांत की व्याख्या। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो, ध्यान से सुनो इस वचन को। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। हालेलुया। क्या लिखा हुआ इसके ऊपर कि जो वचनों को सुनता है और सुनकर उस पर नहीं चलता, उसको नहीं समझता, अपने हृदय की पट्टियों पे नहीं लिखता, क्या लिखा हुआ उसके ऊपर? उसके मन में जो कुछ बोया है, जो कुछ बोया गया। अगर यहाँ पे वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करता है, परमेश्वर अपने दास के द्वारा अगर परमेश्वर बात कर रहा है कि ये छोड़ना है तूने, तेरे जीवन की कमी क्या है वो छोड़नी है तूने, एक दिन याद रहेगा, दो दिन याद रहेगा, और एक दिन क्या होगा? शैतान, दुष्ट कौन है? शैतान, शैतान उसको चुरा कर ले जाएगा। आज लोग कहते हैं कि मेरे विरोधी बड़े हैं, मेरी फैमिली विरोधी है, अगर ये चर्च में आएगा, मेरी फ्रेंड चर्च में आएगी, मेरा फ्रेंड चर्च में आएगा, मेरा रिश्तेदार चर्च में आएगा, मैं तब चर्च में जाऊंगा, मैं तब चर्च में जाऊंगी, अगर तू जाएगा तब मैं चर्च में जाऊंगी। आप एक बार सोच के देखो कि आप अकेले आए थे और कब्र में आपने अकेले जाना है, किसी ने आपके साथ नहीं जाना, किसी ने भी, रिश्तेदार है, फ्रेंड है, कोई भी है, आपने अकेले आए थे, अकेले ही जाना पड़ेगा। तो ये छोड़ना बंद कर दो, ये सोचना कि वो आएगा, वो आएगी, तब मैं आऊंगा, तब मैं आऊंगी। आपको आपका अपना न्याय होगा, वो उसका अपना न्याय होगा। हालेलुया। अगर आप सोचते हो शैतान ने अटैक किया मेरी फैमिली के ऊपर, मेरी फैमिली विरोधी है, मेरी फैमिली मुझे चर्च नहीं आने देती, तो आपको क्या लगता है शैतान ने आपको पैरों को बांधा हुआ है? शैतान आपके दिल में जरूर डाल सकता है कि आज चर्च रहने दे, आज ये काम करना, आज मैरिज है, वो रूठ ना जाए, लेकिन आपका अपना डिसीजन क्या है चर्च में आने का? क्या आप परमेश्वर के वचन को फॉलो कर रहे हो कि संडे सबत का दिन है, मुझे चर्च में होना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए? क्या आप वचन को पकड़े हुए हो? क्या आपके अंदर रूहें बचाने का बोझ है? अगर यहां से बोला जा रहा है कि सुसमाचार के लिए टीम जा रही है तो आपने जाना है, क्या आप अपने टाइम में से हफ्ते का एक दिन भी नहीं निकाल सकते, एक घंटा, दो घंटे नहीं निकाल सकते परमेश्वर के लिए? आपको पता भी है परमेश्वर का राज्य नजदीक है, परमेश्वर का प्रभु यीशु का आना नजदीक है, क्या आपको बोझ है रूहें बचाने का? आप कहीं पे भी जाते हो, मैरिज में जाते हो,
आपके माइंड में ये है कि प्रभु मैं मैरिज में जा रहा हूँ, मैं मैरिज में जा रही हूँ, जिसके साथ भी मैं बात करूं तेरा सुसमाचार उसके पास पहुंचे, मैं अपनी गवाही उसको दूंगी, अपनी गवाही उसको दूंगा। क्या आपके माइंड में ये चीज आई कभी? रूहें बचाने का बोझ है परमेश्वर, रूहें मर रही हैं, अंधकार में है, बीमारियों में लोग, उनको नहीं पता क्या करें, हम हार गए अपनी जिंदगी से, सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, क्या आपके अंदर बोझ है उनका? हाथ खड़े करके बताओ मुझे, बोझ है आपके अंदर? आपके अंदर बोझ है प्रभु की सेवा करने का कि चर्च में जा रहा हूं, मैंने बीच में नहीं बैठना, अब बहुत हो गया वचन सुनना और उसको प्रैक्टिकली फॉलो ना करना, प्रभु मैं सेवा के लिए खड़ा होऊंगा, कुछ भी हो जाए संडे को प्रभु मैं तेरी भवन में सेवा करूंगा। आपने सोचा कभी है? आपने सोचा कि परमेश्वर जो विजन आपने अपने दास को दिया है मैं उसके साथ खड़ा होऊंगा, उसके साथ खड़ी होऊंगी? अगर आप चर्च में सेवा नहीं कर रहे तो सेवा ज्वाइन करके, प्रेयर्स में याद करके, फास्टिंग रख के परमेश्वर उस विजन के लिए, रूहें बचाने का विजन बोने के साथ, परमेश्वर कि मैं पूरा हफ्ता चर्च में नहीं रह सकता, सेवा नहीं कर सकता, मैं काम करता हूँ, काम करती हूँ, तो मैं बोने के द्वारा परमेश्वर उस पार्ट बनूंगी उस विजन का परमेश्वर जो आपने अपने दास को दिया है। खतरे में है वो क्रिश्चियन, अफसोस उन क्रिश्चियंस के ऊपर जिनको उस टाइम प्रभु बोलेगा कि जाओ मेरे सामने से इनको हटा दो, क्योंकि इन्होंने वचन सुनकर भी समझकर भी फॉलो नहीं किया। हालेलुया। और आप ये नहीं सोच सकते कभी भी कि अगर आप मसीह लाइफ में आ गए हैं, प्रभु को ग्रहण कर लिया है, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं क्रिश्चियंस कि अब हम बस खुशहाली में रहेंगे, कोई दुख नहीं हमारी लाइफ में आएगा। दाऊद कहता है परमेश्वर का दास कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तरहाई में होकर चलूं परमेश्वर तब भी तू मेरे साथ रहेगा। इसका क्या मतलब है? हमें उस अंधकार से भरी हुई तराई में होकर जाना ही पड़ेगा, लेकिन उन परिस्थितियों में क्या होगा? परमेश्वर हमारे साथ होगा। हालेलुया। और क्या कहता है दाऊद कि फिसलन से प्रभु मेरे पैरों को बचा। इसका मतलब फिसलन वाले रास्ते पे हमें जाना पड़ेगा, हमें निकलना पड़ेगा उस रास्ते पे से। हालेलुया। और उस रास्ते में, उस अंधकार की तराइयों में से होकर, उस फिसलन वाले रास्ते में से जाकर कुछ पर्सन पीछे मुड़ाएंगे उसी पाप वाली लाइफ में, और कुछ पर्सन आगे बढ़ जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में फिर विक्ट्री उनकी होगी। आमीन। और डिसीजन आपका है, आपको आड़े और खड़े रहना है दुखों में या आपने पीछे मुड़ जाना है, सारी लाइफ उन दुखों में बितानी है। अगर आप आड़े और खड़े रहेंगे तो परमेश्वर आपको जरूर उन अंधकार की तराइयों में से आपको उस उजाले में लेकर जाएगा, उस आनंद में, उस शांति में लेकर जाएगा। हालेलुया। वो तभी संभव है जब आप वचन को सुनते हो, वचन आपसे बात करता है, उसको आप अमल में लाते हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, व्यवस्था कहती है, ये वचन कहता है कि केवल वचन को सुनने वाले ही नहीं, उसको मानने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। हालेलुया। जब घर जाकर आप देखोगे, अगर बाद में पढ़ लेना आप, जब आप वचन को पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। रोमियो की 2:13, जब आप इसको पढ़ोगे तो परमेश्वर का वचन कहता है ये कि व्यवस्था को, वचन को केवल सुनने वाले ही नहीं, उस पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। आमेन, आमेन। तो क्या करना है? डायरी पे नोट करना है, मनन करना है, जैसे आज का वचन जो होगा परमेश्वर अपने दास के द्वारा आपसे बात करेगा, गौर से सुनना है, अपने हार्ट को खोलना है, वो बाहर की चीजें सब छोड़ दो, दुखों को भूल जाओ, वचन को सुनो, उन बुराइयों को छोड़ दो, चुगली निंदा छोड़ दो,
उसने मेरे साथ ये किया वो किया, खाली कर दो अपने आप को, परमेश्वर आज का वचन लेना है मैंने, जो परमेश्वर परमेश्वर के दास घुटने लगा लगा कर सारी रात आप लोगों के लिए वचन मांगते हैं कि परमेश्वर आपके लिए क्या वचन चाहिए, जिस वचन की जरूरत है मेरे लोगों को। मुझे ये चीज पता नहीं होती थी, लेकिन जब मेरी मैरिज परमेश्वर के दास के साथ हुई तब मुझे पता चला कि परमेश्वर का दास किस रीति के साथ आपके लिए प्रेयर्स करते हैं और किस रीति के साथ आपके लिए वचन को लेकर आते हैं परमेश्वर से। हालेलुया। तो अपने आप को खोल कर बैठे, वो तभी आपकी लाइफ में काम करेगा जब आप सुनोगे, हार्ट में बिठाओगे, उस पर मनन करोगे और ये डिसीजन लोगे, ये निर्णय लोगे कि परमेश्वर मैं आज से निर्णय लेता हूं तेरे वचन पे चलने का। मनन करोगे घर जाकर कि आज का वचन क्या हुआ, सुसमाचार सुनाओगे, पवित्र रहने का वादा करोगे। जो जो परमेश्वर ने वचन आपके साथ बात करता है आप उस पर अमल करते हो, उस पर प्रैक्टिकली चलते हो। हाथों को उठाएं।